नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक जानकारी भरा वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कल यानी 1 जुलाई से कौन कौन से वो 5 नियम हैं जो बदलने जा रहे हैं, और इससे आपकी जिंदगी पर, जो आम आदमी की जिंदगी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक अच्छा वीडियो होने वाला है, ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बिना देरी किए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है। ऐसे वीडियोस अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कल 1 जुलाई से कौन कौन से 5 नियम बदलने जा रहे हैं। तो पहला नियम SBI से जुड़ा है। दरअसल SBI के खाता धारक है अगर आप, तो ऐसे में आपके लिए ये नियम जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नए नियम के मुताबिक अगर आप 1 महीने के अंदर ATM से या बैंक से 4 बार रुपए निकालते हैं तो ऐसे में कोई भी आपके रुपए चार्ज नहीं किए जाएंगे, लेकिन 4थी बार के बाद 5वीं बार आप 1 ही महीने के अंदर रुपए निकालते हैं तो कैश विड्रॉल के समय आपके खाते से 15 रुपये प्लस GST कटेगी। यानी कि यहां से एक नया नियम लागू किया जा रहा है SBI द्वारा, जिससे काफ़ी लोग निराश भी होंगे, क्योंकि हो सकता है कि 5-6 बार रुपये निकल जाए खाते से, तो ऐसे में उन्हें 15 रुपये हर बार पे करने होंगे जब भी वे खाते से रुपये निकालेंगे। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम भी SBI से जुड़ा ही है। SBI खाताधारकों को अब SBI 1 वित्त वर्ष में पहले 10 चेक मुफ्त में देगा, उसके बाद 10 चेक वाली चेकबुक के लिए 40 रुपये प्लस GST चार्ज किए जाएंगे। 25 चेक वाली चेकबुक के लिए 75 रुपये प्लस GST चार्ज किए जाएंगे। वहीं 10 चेक वाली इमरजेंसी चेकबुक के लिए 50 रुपये लिए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों को चेकबुक पर नए सर्विस चार्ज छूट दी गई है। अगर हम बात करें अगले नियमों की, तो अगले नियम में LPG सिलेंडर की बात कर रहे हैं। जैसा कि महीने की 1 तारीख को हर बार LPG सिलेंडर के दाम बदल जाते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। कल से LPG के नए दाम देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, फिलहाल दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की कीमत 809 रुपये है। अब कल बढ़ेगी या घटेगी कीमत, ये तो कल ही पता चल पाएगा। अगला नियम भी आपके बैंक अकाउंट को लेकर ही। अगर आपका बैंक अकाउंट सिंडिकेट बैंक में है तो ऐसे में IFSC कोड कल से बदल जाएंगे। यानी कि जो IFSC कोड होता है, आपको पता ही होगा, आपके शाखा का जो भी IFSC कोड है वो आपके चेकबुक में और डायरी में सब में लिखा हुआ रहता है, तो ऐसे में यहाँ पर जो IFSC कोड है वो बदलने वाला है। कल 1 जुलाई से नए IFSC कोड लागू हो गए और ये हर एक ब्रांच के लिए होने वाले। अगर हम बात करें अगले नियम की, तो अगला नियम TDS को लेकर है। तो आपको बता दें, फाइनेंस एक्ट 2021 के लागू होने के बाद TDS में कुछ जरूरी बदलाव किए गए। ये बदलाव नया सामान खरीदने और ITR फाइल नहीं करने वालों से जुड़े हैं। 1 जुलाई से ये नए बदलाव प्रभावी हो जाएंगे। सामान खरीदने के TDS से जुड़े नियम बदलेंगे और साथ ही ITR फाइल नहीं करने पर पहले से अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। 1 जुलाई से 206(ab) सेक्शन भी प्रभाव में आ जाएगा। इसके तहत अगर विक्रेता ने 2 साल तक आयकर रिटर्न नहीं फाइल किया है तो ये TDS 5% हो जाएगा। यानी पहले जो TDS सिर्फ 0.10% था, इसके 5% होने का मतलब है कि TDS की दर 50 गुना बढ़ जाएगी। अगर पिछले वित्त वर्ष में TDS 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो फिर भी TDS कटौती 5% की दर से की जाएगी। इस प्रकार से ये 5 नियम थे जो कि कल से यानी कि 1 जुलाई से बदलने वाले हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अभी लाइक करिएगा, और साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक और अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।